मस्टर्ड फिश बनाने के लिए हमें चाहिए फिश, मैंने यहाँ पे टू पीसेस ही लिए हैं क्योंकि एक ही जन ने खाने हैं। तो इसको हमने पिछले 15 मिनट से नमक और हल्दी आधा आधा चम्मच उसके साथ मैरिनेट करके रख दिया था। मस्टर्ड ऑयल चाहिए 3 टेबलस्पून। शैलो फ्राई करेंगे फिश को और उसके बाद वो बचे हुए तेल में ही बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास है 3 हरी मिर्चें, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, अगर आपके पास मोटी मोटी कलियाँ हैं तो 4 से 5 लगेंगी, सरसों। इन तीनों को हम एक साथ एक पेस्ट बना देंगे। उसके अलावा एक टमाटर मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ जो कि ऑप्शनल है, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चुटकी जितनी शुगर या चीनी। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा ये टमाटर जो है वो ऑप्शनल है, तो हम इसको पीस लेते हैं और मस्टर्ड ऑयल को हीट करके इन्हें शैलो फ्राई कर लेते हैं, फिर करी बनाना स्टार्ट करेंगे। पीसेस को देखिए, दोनों तरफ से इस तरीके से हमने ब्राउन करना है, एक साइड से हो गई है और अभी अभी पलटी है। और यहाँ पर मैंने ये मसाला भी बना लिया है, सरसों हरी मिर्च और गार्लिक का, और मैंने 1/2 टीस्पून जीरा भी ऐड किया है, जीरा पाउडर। तो अब ये तल जाती है फिश, तो उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। फिश हो गई है तो अब हम इसमें डाल रहे हैं सबसे पहले हल्दी। हमने गैस अभी बंद कर दी है नहीं तो जलेगा सब कुछ। और डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। नमक डालेंगे अब, गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन कर दिया, अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब डाल देंगे इसमें टमाटर। भूनने देंगे इसको ढक के, कम सेक पर रखा है हमने गैस। टमाटर सॉफ्ट होने लगे, अब हम इसमें सरसों हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल लेंगे ताकि सारा निकल आए। सरसों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट होने लगा है इसका। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। देखिए ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने 2 पिंच चीनी रखी थी निकाल के, और जीरा पाउडर। सब अच्छे से मिक्स हो गया, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया फिर से। तो अब हम पानी डाल रहे हैं ग्रेवी के लिए। आप पानी अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो गाढ़ा, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा। वैसे जनरली ये चावल के साथ खाया जाता है, लेकिन ग्रेवी इसकी गाढ़ी ही रखी जाती है सरसों फिश की। बॉईल आने देंगे इसे और फिश पीसेस डाल देंगे साथ के साथ। अलट पलट करेंगे इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा फिश पीसेस को हिलाएंगे नहीं, नहीं तो टूट सकती हैं। तो इसको आप पकने देंगे ग्रेवी में। देखिए कितने अच्छे से बॉयल आने लगा। 1 टेबलस्पून धनिया काटा था मैंने ज़रा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ के, और बाकी इसमें डाल रही हूँ अभी। अब इसे पकने लगे अच्छे से, मीडियम सेक पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि फिश अच्छे से पक नहीं जाती। जनरली इसको पकने में 10 मिनट ही लगते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। ये बन गई है, आप ऑयल देख सकते हैं कितने अच्छे से सेपरेट हो गई है। तो अब मैं इसको प्लेट आउट कर देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को अगर अब तक नहीं किया, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जो बगल वाली घंटी होती है ना वो वाली। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया
तो थम्स अप दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। मस्टर्ड फिश करी रेडी है, इसे चावल के साथ परोसिए। और भाई हम तो फटाफट से जा रहे हैं खाने, मीनिंग माय हस्बैंड। मैं तो खाती नहीं, तो मैं चावल खाऊंगी अपने आलू के साथ और आप एंजॉय कीजिए फिश विद राइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।